गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेथड ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड और इसी को हम लोग मेथड ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसलिए है क्योंकि ये हर एक अल्टरनेट ईयर हर एक ब्रांच में पूछता है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा। आप कभी भी कोई ईयर का क्वेश्चन दिया, ऐसा गेट ऐसा हुआ और नहीं होगा कि गेट कोई ना कोई ब्रांच में से क्वेश्चन ना पूछा हो। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही सबसे इजी टॉपिक यही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है, तो ये एक तरीके का जो भी न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होता है, न्यूमेरिकल मेथड इटरेशन फार्मूला होता है। तो हम लोग देखते हैं द न्यूटन इटरेशन फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। सबसे पहले कोई एक फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो हमको फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे रूट निकालेंगे। चलो देखो इटरेशन फार्मूला इसका देता है कि एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू। देखो इसमें कुछ समझने वाला बात है नहीं, और सब में जो था मैंने समझाया था, इसमें कुछ समझने वाला बात नहीं है, इसमें केवल इटरेशन फार्मूला दिया हुआ है और आपको उसमें जो फंक्शन है उसको मैनिपुलेट करना है और उसमें नंबर ऑफ इटरेशन 1 2 3 4 5 डाल मतलब यूज करना है और कोई एक वैल्यू दिया होगा कि इसके अक्रॉस रूट निकालना है, ठीक है। तो वो वाला वैल्यू उस फंक्शन में हम लोग डाल देंगे और जो वैल्यू होगा वो उसके अक्रॉस क्या होगा रूट होगा, सिंपली इसमें और कुछ नहीं करना। तो इसमें जो ये जो वैल्यू है ना एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ एन बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। देखो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है ना, यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स एक्स के बदले क्या रिप्लेस कर देंगे एक्स एन से, ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स एन, तो एफ ऑफ एक्स का हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे और एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे एक्स एन से। तो हम लोग का जो नया फंक्शन बनेगा ये एक्स ऑफ एन प्लस वन इजिकल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स एन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स एन अगर वैल्यू जीरो हो गया तो ये जो फ्रैक्शन होगा ना एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन, ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा और ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा कन्वर्ज कभी नहीं करेगा। इनफाइनाइट मतलब वो वैल्यू कभी नहीं कन्वर्ज करेगा, और हम निकाल क्यों रहे, कन्वर्जेंस के केस कन्वर्जेंस करने के लिए निकाल रहे हैं, इसीलिए ये वैल्यू क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और बेसिक डिनोमिनेटर वाला कोई भी टर्म क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए, सॉरी हाँ जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे अगर एक्स ऑफ एन में एन इजिकल टू जीरो डालेंगे, एन इजिकल टू जीरो होगा तो क्या होगा एक्स एक्स वन हो जाएगा, एन इजिकल टू वन डालेंगे तो एक्स टू हो जाएगा, एन इजिकल टू थ्री डालेंगे तो एक्स थ्री हो जाएगा, वैसे ही फोर डालेंगे तो फाइव हो जाएगा, सेवन हो डालेंगे तो एट हो जाएगा। तो यहाँ पे एन इजिकल टू जीरो डाले, यहाँ पे एन इजिकल टू जीरो डाले तो क्या हुआ एक्स वन हो गया इज इक्वल टू एक्स नॉट, एन इजिकल टू जीरो एक्स नॉट हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट हो गया। और यहाँ पे क्या होगा एक्स एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिमिलरली ये वही है। अगर एन का वैल्यू वन निकले तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा एक्स ऑफ टू इज इक्वल टू एक्स ऑफ वन, ये वाला वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स वन एफ डैश ऑफ एक्स टू। देखो एक चीज आगे बढ़ने से पहले, ये जो फंक्शन होगा ना ये रूट देगा, ये जो फंक्शन होगा ये रूट देगा या कंटिन्यूअस या कोई एक फंक्शन देगा, ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन का सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। ये जो एक्स ऑफ एन प्लस वन होगा ना ये पहले तो एक फंक्शन देगा, क्या देगा पहले एक फंक्शन देगा, अगर उसमें हम लोग एक्स ऑफ एन का वैल्यू इंसर्ट करते हैं ना तो उससे जो वैल्यू मिलेगा ना वो हम लोग को रूट देगा, ठीक है। अब देखो ये एक फिगर, इस फिगर में कुछ समझने वाला है नहीं, जो समझाने वाला होगा मैं आगे बता दूंगा। देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है। देखो कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि आपको कोई भी अगर फंक्शन कन्वर्ज करे इसका मतलब कि उसका हम लोगों के पास एग्जैक्ट रूट है, कन्वर्जेंस का मतलब यही ना। देखो न्यूटन रैप्सन मेथड होता है ना वो सबसे बेस्ट मेथड होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है क्यों, क्योंकि वो सबसे फास्ट कन्वर्जेंट होता है। अब ये क्यों फास्ट कन्वर्जेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो रूट होता है ना वो हम लोग बहुत नज़दीक, जो भी रूट होता है ना ये बहुत नज़दीक नज़दीक होता है, इसीलिए ये फास्टर कन्वर्जेंट होता है। और जब नज़दीक रूट होता है ना इसीलिए जो हम लोग को रूट जल्दी जल्दी मिलता है ना वो जल्द बहुत कम इटरेशन पे मिल जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं
मतलब कि दिस मेथड हैज मोर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब कि मोर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्योंकि फास्टर कन्वर्जेंस है, और ये लेस नंबर पे ही मिल जाता है, क्यों? क्योंकि ये इट रिक्वायर लेस नंबर ऑफ इटरेशन फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है, इसलिए होता है। और दूसरा क्या, इट इज कन्वर्जेंट इफ द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एस नॉट इज नियर टू द, यही मैं बोलना चाहता था, इट इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होता है इफ द इनिशियल अप्रोक्सीमेटर एक्स नॉट इज नियर टू द रूट। मतलब कि अगर ये क्यों फास्ट कन्वर्जेंट होता है, कि जो हम लोग मानते हैं ना रूट, वो जो हम लोग रूट मानते हैं वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन का जो रूट है ना वो उसके नज़दीक होगा, ठीक है, जो हम लोग को मिलेगा रूट। और तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ वैलिड फॉर रियल एज वेल एज इमेजिनरी। देखो अभी तक हम लोग जो इटरेशन फॉर्मूला पढ़े हैं ना, बाइसेक्शन हो गया, न्यूटन रैपसन तो पढ़ ही रहे हैं, उसके पहले जो हो गया, ये सारे में जो होता है ना रूट क्या होता था, रियल होता था। इस केस में क्या है, रियल और इमेजिनरी दोनों है। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग न्यूटन रैपसन फाइंड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहले इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, देखो 3x = cos x + 1, जो ये है ना इसको मतलब कि आर एच, मतलब कि आर एच एस साइड को क्या करना है हमको, जीरो करना, इक्वेट टू जीरो, मतलब ये वाला वैल्यू किधर जाए, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो हम लोग का फंक्शन क्या बनेगा, 3x - cos x + 1 बनेगा, 3x - cos x + 1, ये हमारा क्या बना, फंक्शन बना। हमको क्या चाहिए था इटरेशन फॉर्मूला में, एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए था, तो हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दिए, ठीक है। अब हम लोग इटरेशन फॉर्मूला लिख लिए, f(x1) = x0 - f(x0)/f(x0)। अब देखो एक्स नॉट क्या है, जीरो के अक्रॉस तो एक्स नॉट है, तो यहाँ पे जीरो रख दिए। एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब कि एफ ऑफ जीरो होगा और एफ डैश ऑफ जीरो होगा, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब देखो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग के पास उतना थोड़ा सा टाइम, मतलब कि उतना टाइम नहीं रहता है ना कि हम लोग एक एक चीज़ कैलकुलेट करें, तो हम लोग को एक मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट थिंग्स को मैनिपुलेट करेंगे और उससे एक हम लोग डिराइव रिजल्ट निकालेंगे, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना तो हम लोग के पास डायरेक्टली एक रिजल्ट हो तो उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। देखो अगर हमको कोई किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली कोई अगर दिया है कि भैया इसका स्क्वायर रूट निकालो तो कैसे निकालेंगे, तो वही है। देखो मान लो कि ये हो गया x = √n, तो हमको क्या करना है, इसको इधर लेके आना है, तो सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर तो यहाँ पे क्या होगा, x² = n, तो क्या हो जाएगा, x² - n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x² - n, ये हो गया हमारा एक फंक्शन हो गया। अब एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे = 2x हो गया। अब x(n) पे इसका वैल्यू इंसर्ट करेंगे, चलो कर दिए, यहाँ पे क्या हुआ x(n), क्योंकि x(n+1) जो n+1th रूट है और उसका प्रीवियस रूट हम लोग का क्या होगा, xn होगा, तो xn हो गया, f(xn) और f(xn) हो गया वैल्यू डायरेक्टली। अब xn तो है, f(xn) के बदले क्या रख देंगे, ये वाला वैल्यू रख देंगे x² और x को xn से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो गया x² - n, और f(x) कितना होगा, f(x) = 2x है, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, x(n) से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x(n) हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये चल रहा है, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा। अब देखो अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, x(n) को क्या होगा, 1/2 x(n), इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, आगे देखेंगे इसका फायदा क्या है। देखो ये है √n, x(n+1) = क्या है, 1/2 xn + n/xn। अगर क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x(n+1) = 1/3, ये हो गया 1/3, 2 times of x(n) n/xn² फोर हो गया, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ये एक डिक्रीज करेगा और ये जो पावर होगा, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ये 1/4, ये 4 है 1/4, अब यहाँ पे ये डिक्रीज होगा और यहाँ पे ये जो पावर होगा ना ये हो जाएगा। तो देखो इससे हम लोग एक रिजल्ट निकाल कर सकते हैं, अगर पीथ रूट क्यूब मतलब पीथ रूट निकालना है, पीथ मतलब कि p√n, कभी कभी बोलने में प्रॉब्लम होता है, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, p√n है, तो x(n+1) का टर्म क्या होगा, 1/p (p-1), तो यहाँ पे अगर मान लो कि 3 है तो 1/3 × 3 - 1 2, तो ये 2 आ गया, x(n+n)/x(n)³ 3 - 1 कितना होगा, xn² यहाँ पे xn² आ गया। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, और एक ये फॉर्मूला, ये तो क्यूब मतलब क्यूब रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, अगर कोई नंबर दे दिया 1/n तो उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है कि ये कैसे बनेगा, टाइम मिलेगा तो मैं आगे इसको डिराइव करूँगा, ठीक है।
अभी के लिए आप लोग का ये वैसे ही एकदम ऐसे ही डिराइव करेंगे, ठीक है। मतलब कि कैसे एक्स इज इक्वल टू कैसे 1/n, ठीक है, वैसे डिराइव करेंगे। और क्या करें, एक्स -1/n वैसे डिराइव करेंगे, आप लोग को डिराइव करना है इसको, ठीक है। तो अब एक्स ऑफ एन प्लस वन क्या हो जाएगा, 2xn - xn2, ये आपको याद रखना है दोनों रिजल्ट। अब देखो एरर क्या होता है, देखो न्यूटन रैप्सन के मेथड में एरर, न्यूटन रैप्सन मेथड में एरर जो होता है ना, एक्स ऑफ एन माइनस ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब कि ये जीरो से जितना कम रहे उतना अच्छा है। तो अब एक्स ऑफ एन जो होगा ये कंडीशन है एरर के लिए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे एरर पे। ये एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कंसिडर द सीरीज एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन बाई टू प्लस नाइन डिवाइडेड बाई एट ऑफ एक्स एन, किसके अक्रॉस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0.5 kilo ओवर 10 फ्रॉम न्यूटन रैप्सन मेथड द मैथड कन्वर्जेस टू, मतलब कि हम लोग को रूट निकालना है। मैथड कन्वर्जेंस मतलब जब भी कन्वर्जेंस आ गया मतलब हम लोग को रूट के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ वैल्यू आ गया तो मतलब कि हम लोग को रूट ही निकालना है कि किस रूट पे वो मैथड कन्वर्ज करेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो एक्स ऑफ एन प्लस वन क्या होगा, एक्स ऑफ एन बाई टू प्लस नाइन बाई एट एक्स एन, 1/2 कॉमन ले लिए, पिछले हम लोग देखे थे पी रूट अंडर एन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसको करना है। तो 1/2 एक्स ऑफ एन हो गया प्लस नाइन बाई, इसको मैनिपुलेट करेंगे 9/4 बाई एक्स ऑफ एन। तो ये देखो ये किस चीज़ का है, रूट अंडर एन का है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा 9/4, इसलिए क्या होगा 1.5 आ जाएगा। अब देख लेना ये, अब देखो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वन इज टू बी सॉल्व यूजिंग न्यूटन रैप्सन मैथड, इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इज टेकन एज 1.0, इनिशियल वैल्यू क्या है 1.0, देन द एब्सोल्यूट एरर ऑब्जर्व एट द सेकेंड इटरेशन, मतलब कि एक्स ऑफ एन प्लस टू टू बात कर रहा है, ठीक है, एक्स ऑफ एन इजिकल टू जीरो मतलब एक्स ऑफ टू के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये बोला ना फंक्शन पे, ये है मेरा किसके अक्रॉस 1.0 के अक्रॉस सेकेंड अप्रोक्सीमेट सेकेंड इटरेशन में, देखो एफ ऑफ एक्स मेरा ये हुआ, एफ डैश ऑफ एक्स मेरा ये हुआ, और ये गेट का क्वेश्चन है, गेट शायद अप्रोक्सीमेट 2002 का है, गेट 2002 में ये क्वेश्चन पूछा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स नॉट यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दिए। फर्स्ट इटरेशन में हम लोग इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इस सारे वैल्यू को क्या करेंगे इंसर्ट कर देंगे, और एक्स नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे एफ 1.0, तो हम लोग का क्या वैल्यू आएगा 1/e, 1/e का क्या होता है 0.3678 वैल्यू आता है। सॉल्व कीजिएगा, अब देखिए सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन क्या बोल रहा है, एक्स टू इजिकल टू एक्स वन, जो वैल्यू आया मेरा पिछले बार वो एक्स वन था, माइनस एफ एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स वन इजिकल टू 0.3678 आया था, एफ ऑफ 0.3 एफ डैश ऑफ ये, तो क्या आ जाएगा एक्स टू इजिकल टू 0.59। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, एरर पूछ रहा है। तो देखो एरर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स टू मॉड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स टू कितना था हमारा 0.61, एफ ऑफ एक्स नॉट कितना आया 1.71, ये का माइनस और मॉड वैल्यू क्या देगा मेरा, एरर देगा। ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, ये आप लोग के लिए मैंने बन रखा है 3√24 और √18, ये आप लोग को कैलकुलेट करना है। और ये एरर मैंने बता दिया पहले ही, एरर इजिकल टू क्या होता है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।